मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स एंड हाउ टू वर्क आवर बॉडी। ये सारा हमने देखा था, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन किसे कहते हैं, ये सारा प्रीवियस पीरियड में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 का गुड फूड हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें। अब देखो, खाने की अच्छी आदतें इससे हम लोगों की स्वास्थ्य डिपेंड रहता है, हम लोगों का जो स्वास्थ्य रहता है वो उस पर डिपेंड रहता है। ईटिंग हेल्दी फूड इज नॉट इनफ, सिर्फ हेल्दी फूड रहने खाने से हम स्वस्थ रहते हैं ऐसे नहीं। यू शुड फॉलो गुड फूड हैबिट्स। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ खाने की अच्छी आदतें बनानी चाहिए। अब ये कौन कौन से, देखो यहाँ तो कुछ पिक्चर से समझाया हुआ है और कुछ यहाँ में लिखे बता रहे, पहले पिक्चर में जो बताया हुआ वो समझ लो आप लोग। यस, देखो पिक्चर में बताया हुआ है, वॉश योर हैंड्स एंड माउथ बिफोर टचिंग एनी फूड। खाना खाने से पहले या किसी भी खाने की वस्तु को टच करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वॉश योर हैंड्स, आपको अपने हाथ धोने चाहिए, एंड माउथ बिफोर टचिंग एनी फूड, किसी भी पदार्थ को टच करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। ईट एट फिक्स आवर्स ओनली, फिक्स आवर्स में हमें क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। नेवर वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच एज यू नीड, आपको जितनी ज़रूरत होती है उतना ही खाना हमें अपने प्लेट में लेना चाहिए, वेस्ट नहीं करना है। और थर्ड दिया हुआ है यहाँ, ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हमें रोज़ाना क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। मिल्क इज़ अ कम्प्लीट फूड, मिल्क को कम्प्लीट फूड कहा जाता है, जिसमें विटामिन्स मिनरल्स कैल्शियम बहुत मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हमें दूध डेली पीना चाहिए। नेवर वेस्ट वाटर, टेक ओनली एज मच एज यू नीड, जैसे फूड के वैसे ही वाटर भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी किसी की आदत रहती है कि भाई वॉश बेसिन में खड़े होकर हाथ धोते रहते, नल शुरू करते बातें करने लग जाते, वैसे नहीं करना। देखो यहाँ पिक्चर में बताया हुआ है, नेवर वेस्ट वाटर, टेक ओनली एज मच एज यू नीड, आपको इतनी ज़रूरत होती है अपने हाथ हैंड वॉश कर लो और वहाँ से टैप बंद करके। यस, वाटर इज प्रीशियस, वाटर क्या है, कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। अभी तो हमें पानी मिल रहा है, कुछ सालों बाद वो भी नहीं मिलेगा। ओके, अब इसमें कुछ और भी फूड हैबिट्स हैं, वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। फर्स्ट, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग करने से पहले और खाने से पहले हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या करने चाहिए, प्रॉपर वॉश करके ही यूज़ में लेने चाहिए। नेक्स्ट, च्यू योर फूड प्रॉपरली, हमें अपना खाना चबा चबा के खाना चाहिए। यस, दो मिनट मुँह में रोटी डाली है, खेलने के लिए जाना है, लेट हो रहा है, दो मिनट मुँह में डाला किया और निकल गया, ये नहीं। हमें खाना जब मुँह में डालते हैं उसको प्रॉपर ग्राइंड करना चाहिए, बारीक बारीक करके ही खाना चाहिए। कहा जाता है एट अ टाइम 32 टाइम हमें क्या करना चाहिए, खाने को चबाना चाहिए, तब वो बिल्कुल ग्राइंड होगा। ओके, नेक्स्ट है, डू नॉट ड्रिंक टॉक और लाफ व्हाइल हैविंग मील्स, जब हम खाना खाते हैं तब हमें रीडिंग नहीं करनी चाहिए, टॉकिंग नहीं करनी चाहिए, हंसना भी नहीं चाहिए। रीडिंग का तो आजकल क्या होता है, जब खाना खाते हैं तब कोई न्यूज़पेपर लेके बैठता है, यस, और सबसे ट्रेन में अभी चल रहा है जो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। ओके, तो खाना खाते वक्त हमें रीडिंग नहीं करनी है, टॉकिंग भी नहीं करनी, बातें भी नहीं करनी है और लाफिंग भी नहीं करनी। नेक्स्ट है, डू नॉट मेक साउंड व्हाइल ईटिंग,
यस दिस इज अ इम्पोर्टेंट। हम लोग खाना खाते हैं, किसी किसी के खाना खाते वक्त मुंह से आवाज निकलती है, यस आवाज करके खाते हैं, तो ये जो साउंड है खाना खाते वक्त जो साउंड अपन मुंह से निकालते हैं वो हमें नहीं करना है। प्रॉपरली खाना खाते हो, मुंह में डाल लिए, चबा लो, लेकिन चबाते वक्त उसकी आवाज नहीं। डू नॉट वॉक और रन व्हेन यू आर ईटिंग। जब आप खाना खाते हो आपको चलते चलते खड़ा नहीं खाना चाहिए और आपको रनिंग भी नहीं करना। नेक्स्ट, डू नॉट वॉच टीवी व्हाइल ईटिंग, यू टेंड टू ओवर ईट। आपको टीवी देखते वक्त भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि टीवी देखते वक्त पता ही नहीं चलता हमने कितना, टीवी में ध्यान देता है, खाने में ध्यान नहीं देता है, कई बार ओवर ईट हो जाता है, हम ऐसा खा लेते हैं। ओके, और ओवर ईटिंग से क्या होता है? ओवर ईटिंग मेक्स सिक एंड ओबेस। ओबेस मीन्स स्थूल का मोटापा बढ़ जाता है। ओके, एंड लेस ईटिंग मेक्स यू वीक। और अगर हम खाना कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे और ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। ओके, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है, फिर अभी तक जितना भी चैप्टर हो चुका है वो हम यस रीडिंग स्किल के अकॉर्डिंग रीड करें। ओके, यस नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोगों ने पहले पेज नंबर 21 पर ये सारे पिक्चर्स देख लेते हैं, जिसमें अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड स्टफ्स हमने देखे थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। आज हम नेक्स्ट पेज पेज नंबर 22 रीड स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको रीड मेरे साथ करना है, मैं वन बाय वन स्पेलिंग्स बोल बोल के आपको रीड करवा रही हूँ। ओके, यस अब देखिए, अब हम करते हैं, यस डब्ल्यू एच ई ए टी वीट आर आई सी ई राइस एम ए आई जेड ई मेज जे ए डब्ल्यू ए आर जवार ए एन डी एंड बी ए जे आर ए बाजरा ए आर ई आर सी ई आर ई ए एल एस सीरियल्स। अब देखो, वीट राइस मेज जवार एंड बाजरा ये क्या है? सीरियल्स यानी अनाज हैं। अरहर उड़द मूंग मसूर एंड ग्राम आर पल्सेस। ए आर एच ए आर अरहर, यू आर ए डी उड़द, एम डबल ओ एन जी मूंग, एम एस डबल ओ आर मसूर, ए एन डी एन जी आर ए एम ग्राम, ए आर ई आर पी यू एल एस ई एस पल्सेस। ये सारे क्या हैं? दालें। पल्सेस मीन्स दालें। नेक्स्ट, डब्ल्यू ई वी जी ई टी गेट ओ यू आर आवर एफ डबल ओ डी फूड एफ आर ओ एम फ्रॉम पी एल ए एन टी एस प्लांट्स ए एन डी एंड ए एन आई एम एल एस एम ए एल एस एनिमल्स। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अपना खाना एनिमल्स और प्लांट्स से हमें मिलता है। सी ई आर ई ए एल एस सीरियल्स एफ आर ई एस एच फ्रेश वी ई जी ई टी ए बी एल ई एस वेजिटेबल्स एफ आर ई एस एच फ्रेश एफ आर यू आई टी एस फ्रूट्स एम आई एल के मिल्क ई डबल जी एस एग्स एम ई ए टी मीट ए एन डी एंड एफ आई एस एच फिश एम ए के ई मेक ए सी ओ एम पी एल ई टी कम्प्लीट एफ डबल ओ डी फूड। सीरियल्स फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रेश फ्रूट्स मिल्क एग्स मीट एंड फिश मेक ए कम्प्लीट फूड। ये सारों से मिलकर क्या बनता है? कम्प्लीट फूड बनता है। डब्ल्यू ई वी ई ए टी ईट सी ई आर ई ए एल एस सीरियल्स आई एन इन टी एच ई द एफ ओ आर एम फॉर्म ओ एफ ओ आप सी एच ए पी ए डबल टी आई एस चपातीज ए एन डी एंड बी आर ई ए डी एस ब्रेड्स। अनाज से हम क्या कर सकते हैं? वी ईट सीरियल्स, हम अनाज खाते किसके रूप में? फॉर्म ऑफ चपातीज एंड ब्रेड। चपाती और ब्रेड के रूप में हम क्या करते हैं? सीरियल्स खाते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ कुछ जो येलो बॉक्स दिए हुए हैं
उस येलो में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई है. यू शुड ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड फॉर गुड हेल्थ, आल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. वाई ओ यू यू एस एच ओ यू एल डी शुड ई ए टी ईट ए डबल एल ऑल के आई एन डी एस काइंड्स ओ एफ ऑफ एफ डबल ओ डी फूड एफ ओ आर फोर जी डबल ओ डी गुड एच ई ए एल टी एच हेल्थ ए एल एस ओ अल्सो डी आर आई एन के ड्रिंक पी एल ई एन टी वाई प्लेंटी ओ एफ ऑफ डब्ल्यू ए टी आर वाटर. यानी देखो क्या होता है, हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए और उसके साथ ज़रूरत उतना पानी भी पीना चाहिए. नेक्स्ट है अलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड. हमें ताज़ा और साफ सुथरे फूड खाने चाहिए. ए एल डब्ल्यू ए वाई एस अलवेज ई ए टी ईट एफ आर ई एस एच फ्रेश ए एन डी एंड सी एल ई ए एन क्लीन एफ डबल ओ डी फूड. ओके ईट सीरियल्स पल्सेस एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एज मच एज यू नीड. अनाज दालें और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तब यूज़ करना चाहिए. अब देखो यहाँ साइड में दिया हुआ है ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लेंटी फूड. यानी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए जितनी ज़रूरत होती है. और देखो यहाँ कुछ दिया हुआ है पी ई ओ पी एल ई पीपल डब्ल्यू एच ओ वू डी ओ डू एन ओ टी नॉट ई ए टी ईट ई डबल जी एस एक्स एम ई ए टी मेट ए एन डी एंड एफ आई एस एच फिश ए आर ई आर सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड वी ई जी ई टी ए आर आई ए एन एस वेजिटेरियंस. पीपल हु डू नॉट ईट एग्स मीट एंड फिश आर कॉल्ड वेजिटेरियन. जो लोग फिश एग और मीट नहीं खाते उन्हें हम क्या कहते हैं, वेजिटेरियन. और जो लोग फिश मीट एंड एग्स खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन. देखो यहाँ लिखा हुआ है पी ई ओ पी एल ई पीपल डब्ल्यू एच ओ वू ई ए टी ईट ई डबल जी एस एग्स एम ई ए टी मेट ए एन डी एंड एफ आई एस एच फिश ए आर ई आर सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड या नॉन वेजिटेरियन. प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ आया नहीं है, यहाँ क्या आएगा, नॉन वेजिटेरियन. नेक्स्ट टाइम फॉर फूड, ये मैंने आपको समझाया था चैप्टर, यस जब चैप्टर का डिस्कस करते उस वक्त समझाया था. आई एन इन टी एच ई द एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग वी डब्ल्यू ई वी टी ए के ई टेक बी आर ई ए के एफ ए एस टी ब्रेकफास्ट. इन द मॉर्निंग वी टेक ब्रेकफास्ट, सुबह में हम ब्रेकफास्ट लेते हैं. आई एन इन टी एच ई द ए एफ टी ई आर एन डबल ओ एन नून आफ्टरनून डब्ल्यू ई वी टी ए के ई टेक एल यू एन सी एच लंच. दोपहर में हम क्या करते हैं, लंच. वी इन द आफ्टरनून वी टेक लंच. आई एन इन टी एच ई द ई वी ई एन आई एन जी इवनिंग वी डब्ल्यू ई वी टे टी ए के ई टेक टी ई ए टी ए एन डी एन एस एन ए सी के एस स्नैक्स. शाम को हम क्या करते हैं, चाय और स्नैक्स लेते. इन द इवनिंग वी टेक टी एंड स्नैक्स. ए टी एट एन आई जी एस टी नाइन डब्ल्यू ई वी टी ए के ई टेक डी आर डबल एन ई आर डिनर. एट नाइट वी टेक डिनर, सुबह में ब्रेकफास्ट दोपहर में लंच शाम को टी एंड स्नैक्स और रात को डिनर हम करते हैं. यहाँ कुछ डिनर के और के पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लो आप करते हो क्या. नेक्स्ट है गुड फूड हैबिट्स. ई ए टी आई एन जी ईटिंग एच ई ए एल टी एच वाई हेल्दी एफ डबल ओ डी फूड आई एस इज एन ओ टी नॉट ई एन ओ यू जी एच इनफ. ईटिंग हेल्दी फूड इज़ नॉट इनफ, सिर्फ हेल्दी फूड ही हमारे शरीर के लिए चाहिए ऐसे नहीं है. वाई ओ यू यू एस एच ओ यू एल डी शुड एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू फॉलो जी डबल ओ डी गुड एफ डबल ओ डी फूड एच ए बी आई टी एस हैबिट्स. टू हमें क्या करना चाहिए, गुड फूड हैबिट्स भी फॉलो करने चाहिए. पहले हम यहाँ नीचे देखे हुए देख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम ये ऊपर वाला पिक्चर आपको समझाऊँगी. अब इसमें आपको आज मैंने ये सारा लिखवाया था डब्ल्यू एस एच वॉश एफ आर यू आई टी एस फ्रूट्स एंड
and vegetables 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 before 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 eating eating or cook cooking wash fruits and vegetables before eating or cooking फ्रूट वेजिटेबल्स और सब्जियाँ खाने से पहले और कुकिंग करने से पहले हमें धोना चाहिए सी एच ई डब्ल्यू चू वाई ओ यू आई ओ एफ डब्ल ओ डी फूड पी आर ओ पी ई आर एल वाई प्रॉपरली हमें खाना चू यानी चबा कर खाना चाहिए डी ओ डू एन ओ टी नॉट आर ई ए डी रीड टी एल के टॉक और एल ए यू जी एस लाफ डब्ल्यू एच आई एल ई वाइल एच ए वी आई एन जी हैविंग एम ई एल एस मील्स डू नॉट रीड टॉक और लाफ वाइल हैविंग मील्स जब हम खाना खाते रहते तब हमें रीड नहीं करना चाहिए टॉकिंग नहीं करनी चाहिए लाफिंग नहीं करना चाहिए नेक्स्ट डी ओ डू एन ओ टी नॉट एम ए के ई मेक एस ओ यू एन डी एस साउंड डब्ल्यू एच आई एल ई वाइल ई ए टी आई एन जी ईटिंग Do not make sounds while eating. हम खाना खाते वक्त हमारे मुँह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए डी ओ डू एन ओ टी नॉट डब्ल्यू एल के वॉक ओ आर आर यू एन रन डब्ल्यू एच ई एन वेन वाई ओ यू यू ए आर ई आर ई ए टी आई एन जी ईटिंग डू नॉट वॉक और रन वेन यू आर ईटिंग जब हम खाना खाते तब हमें दौड़ना नहीं चाहिए वॉकिंग नहीं करनी चाहिए डी ओ डू एन ओ टी नॉट डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच टी टी वी डब्ल्यू एच आई एल ई वाइल ई ए टी आई एन जी ईटिंग खाना खाते वक्त हमें टी वी देखना नहीं चाहिए डू नॉट वॉच टी वी वाइल ईटिंग वाई ओ यू बी टी ई एन डी टेन टी ओ टू ओवर ईट ओ वी ई आर ई ए टी ओवर ईट इससे क्या होता है कि कई बार हमें ज़्यादा मात्रा में खाना ओवर ईट कर लेते हैं ओ वी ई आर ई ए टी आई एन जी ओवर ईटिंग एम ए के ई एस मैक्स वाई ओ यू यू एस आई सी के सी ए एन डी एन ओ बी ई एस सी ओ बेस एल ई डबल एस लेस ई ए टी आई एन जी एटिंग एम ए के ई एस मैक्स वाई ओ यू डब्ल्यू ई ए के वीक ओवर ईटिंग से क्या होता है इंसान सिक हो जाता है बीमार हो जाता है एंड ओबेज सिक एंड ओबेज हो जाता है एंड लेस ईटिंग से इंसान कमज़ोर हो जाता है ओके अब यहाँ पिक्चर दिया हुआ है इसमें बताया हुआ है कि वॉश योर हैंड्स एंड माउथ बिफोर टचिंग एनी फूड किसी भी फूड को हाथ लगाने से पहले हमें हैंड वॉश करने चाहिए अब इसमें बताया नेवर वेस्ट फूड टेक ओनली एज मच एज यू नीड हमें उतना ही थाली में खाना लेना चाहिए जितने आपको भूख लगती है खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए ड्रिंक मिल्क एवरी डे डी आर आई एन के ड्रिंक एम आई एल के मिल्क ई वी ई आर वाई डी ए वाई एवरी डे रोज़ाना हमें दूध पीना चाहिए नेवर वेस्ट वाटर टेक ओनली एज मच एज यू नीड हमें वाटर को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए जितनी ज़रूरत होती है उतना ही हमें वाटर का यूज़ करना चाहिए यस नाउ योर चैप्टर रीडिंग इज़ कम्प्लीट नेक्स्ट पीरियड में हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपको मीनिंग्स करवा देंगे ओके तब तक के लिए थैंक यू बच्चों